से हैदराबाद जा रहे हैं एंड अभी बज रहा है कुछ शाम के 8 बजे और वी हैव अ फ्लाइट एट 9 o'clock तो वी हैव टू बोर्ड इन. सो आगे का हैदराबाद का ट्रिप में बहुत कुछ होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग करेंगे कल एंड आफ्टर दैट वहाँ का यम्मी बिरयानी एंड हलीम और जितने भी वहाँ के फेमस फूड आइटम्स हैं वो ट्राई करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट हम रामोजी जाएंगे एंड द लास्ट डे एक्चुअली दिस ट्रिप इज़ वेरी शॉर्ट जस्ट फॉर 4 days वी आर गोइंग देयर. सो आई विल कंटिन्यू एंड कीप जॉइनिंग विद मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल. हाय, सो कमिंग बैक टू माय चैनल अगेन. राइट नाउ मैं यहाँ पर गेट नंबर 47A के सामने बैठी हूँ. मैंने बोर्डिंग पास रिसीव कर लिया. बाय द वे कल जब मैंने मेरा वेब चेकिंग कर लिया था एंड मॉर्निंग तक मैं इवन इवनिंग 6 o'clock तक लाइक आई वॉज अज्यूमिंग कि फ्लाइट 9 o'clock का है. सो आई रश्ड फॉर दैट एंड फाइनली जब यहाँ से मैंने मेरा बोर्डिंग पास रिसीव किया उसमें मैंने अपडेटेड प्रिंट देखा कि इट इज़ अ फ्लाइट इज़ एट 12 o'clock विच इज़ वेरी बैड आई फील बिकॉज हम वहाँ पे घर से निकले कुछ और ही टाइम टेबल लेकर एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद वी आर फेसिंग चैलेंजेस एंड स्मॉल किड को लेकर इधर उधर रात को भटकना बिकॉज फ्लाइट 12 बजे का है. मतलब वी गोइंग टू रीच हैदराबाद समवॉट बाय 1 o'clock 1:30 समवॉट. सो अभी देखते हैं आगे का जर्नी कैसे होता है. थोड़ा एक्साइटमेंट में ढीला पड़ गया है. कल सुबह तक वापस हो जाएगा होपफुली. हाई वेलकम बैक. सो कल का दिन मैंने आपको बताया किस तरीके से हम मुंबई से हैदराबाद पहुँचे एंड द फ्लाइट वॉज टू लेट एंड आज का दिन शुरू हो चुका है ऑलरेडी. हम गाड़ी में बैठ चुके हैं. कल रात को नहीं सोने की वजह से स्वरूप इज टेकिंग रेस्ट राइट नाउ. हमको भी नींद आ रही है बट ठीक है चलेगा. आज फिलहाल हम जा रहे हैं श्री श्रीलंग दर्शन के लिए. पहले हम दर्शन करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का. वो 151 शक्तिपीठ में से भी है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी है. आगे का जर्नी मैं आपको दिखाती रहूँगी एंड आप यहाँ का ब्रॉड हाईवे देख सकते हो. हम अभी पहुँच गए श्रीशैलम मंदिर के पास ही है. जस्ट वी हैव टू वॉक स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट. ये यहाँ के आजू बाजू का परिसर जैसे दुकानें वगैरह सब लगी हुई रहती है वैसा है. गर्दी थोड़ा इधर अभी तो कम दिखाई दे रहा है. अभी आगे चल के देखते हैं. मंदिर कुछ 1:30 बजे का टाइमिंग है बंद हो जाने का. लेट्स चेक. राइट नाउ हमारा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो चुका है. दर्शन करने में बिल्कुल भी हमको गर्दी नहीं मिली. आज थर्सडे का दिन था तो उतनी गर्दी नहीं थी. अच्छे से दर्शन हो जाने के बाद देन वहाँ का हमने प्रसादम दैट इज भोजन ग्रहण किया. समथिंग वेरी डिफरेंट वेरी अमी एंड उसके बाद वहाँ का जो लड्डू था सम सिंगल लड्डू दे आर गिविंग अ 15 rupees. बट वो लड्डू मैंने सोचा कि चलो एक लेती हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए. तो एक जैसे ही ख़त्म हो गया अगेन मैं वहाँ पे भागे भागे गई और एक मैंने ख़रीदा और घर के लिए भी मैं काफ़ी कुछ लेकर आई बिकॉज इट इज़ वेरी टेम्पटेटिंग. मतलब खाने के बाद मुंह में ऐसा लगता है कि और थोड़ा खा लूँ और थोड़ा खा लूँ लाइक दैट. एंड ये कुछ एग्ज़िट की जगह है जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल खड़ी हूँ. थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पॉइंट अच्छा है तो उसको कवर करना चाहिए. और आपसे भी मैं बात कर लूँ साथ ही साथ. आज पूरा दिन मैं बड़ी बार बात नहीं कर पाई थी. एंड अभी हम जा रहे हैं साक्षी गणपति. साक्षी गणपति हो जाने के बाद हम जाएंगे पाताल गंगा. सो मैं अभी आपको लेकर आई हूँ यहाँ पे साक्षी गणपति के पास. यहाँ का दर्शन हमने कर लिया है. यहाँ पर भी क्राउड काफ़ी कम था एंड दी गणपति का मूर्ति इज रियली वेरी पीसफुल. एंड अंदर जाने के बाद हमने वहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया कि वी ऑलरेडी टेक अ दर्शन ऑफ ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन एंड शक्तिपीठ ओवर यो. माँ सती का शक्तिपीठ है. उनका कंठ गिरा था यहाँ पर मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग के मंदिर के अंदर ही है वो भी. सो अगर आप मल्लिकार्जुन मंदिर में आते हो तो साक्षी गणपति के यहाँ पे दर्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है. ये
गणपति जी हमारा साक्षीदार है कि हम यहाँ पे आके गए हैं, ये यहाँ का मान्यता है। ठीक है, अभी हम चलेंगे यहाँ से। राइट नाउ ये जो हम आए हैं ये डैम है, इट इज वन ऑफ द व्यू पॉइंट, श्रीशैलम के रास्ते में ही पड़ता है। फिलहाल डैम का पानी छोड़ा हुआ नहीं है, बट काफी बड़ा डैम है और पानी लिटरली एकदम ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग लोकेशन, वेरी नाइस वन। दिस इज अवर बोट विच इज कमिंग टूवर्ड अस। दिस इज अवर बोट जर्नी। इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बोट इट इज। गेट डैश्ड। This is Raja and Sanjay what? Sanjay is getting excited to experience this different variety of boat. Swaroop is doing some fishing type of thing. वो रोप डाल रहा है पानी में, फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा है। This is a round boat. This is most probably found in southern side of India. This is Krishna Nadi. We are exploring this. We are in Krishna Nadi having this boat journey now. This place is surrounded with this whole mountain around. Is taraf ek bridge hai. Krishna Nadi ka pani jo humko dikhai de raha hai wo greenish type ka hai.